नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। इसे विडंबना ही कहेंगे कि इंसान जानवरों से डरता है और यही जानवर हैं जो इंसान के सबसे अच्छे दोस्त भी कहलाते हैं। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसी महिला हैं जो इन्हीं इंसान जानवर के संबंधों से ही ताल्लुक रखती हैं। आप हमारे देश की पहली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने 3 दशक का लंबा समय बाघ की स्टडी पर बिता दिया है। यानी न केवल बाघ बल्कि इनके संरक्षण के साथ साथ आदिवासी समुदायों के भी अध्ययन और उनके लिए भी आप लगातार काम कर रही हैं, बल्कि देश और विदेश के कई विलुप्त होती प्रजातियों पर भी आप काम कर रही हैं। कितने ही जंगलों का आपने भ्रमण किया है, जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा आपने इन जानवरों के अध्ययन पर ही बिता दिया है और इसीलिए आपको नाम दिया गया है टाइगर प्रिंसेस का। हमारी आज की तेजस्विनी है डॉक्टर लतिका नाग। किसी अनजान राह का रुख करने के लिए हिम्मत के साथ साथ आत्मविश्वास भी होना जरूरी है। डॉक्टर लतिका नाथ ने न केवल एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जो पुरुष प्रधान माना जाता है, बल्कि जो अनदेखे खतरों से भी भरा है। जिंदगी के 3 दशक बाघों के संरक्षण को समर्पित करने वाली डॉक्टर लतिका लेखक, फोटोग्राफर और वन्य जीव संरक्षणवादी हैं। बाघों पर डॉक्टरेट करने वाली पहली भारतीय होने के अलावा आप देश की पहली महिला हैं जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बनी। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 1990 से काम कर रही लतिका ने उस दौर में ही इस मिशन के लिए सैटेलाइट इमेज एनालिसिस और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का उपयोग किया। उनके काम की विशेषता ही है कि 2001 में नाम मिला टाइगर प्रिंसेस का। हफ्तों तक जंगलों में खतरनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए विभिन्न प्रकार के जानवरों पर रिसर्च करते हुए लतिका ने सभी बिग कैट्स पर तो अध्ययन किया ही, साथ ही कई किताबें भी लिखी हैं। मध्य प्रदेश के कान्हा और बांधवगढ़ में कई दशकों तक आदिवासियों के कल्याण के लिए भी कार्य करती रही हैं। सेव द टाइगर अभियान से जुड़ी लतिका कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम कर रही हैं। अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित प्रकृति और वन्य जीव, विशेषकर बाघ के संरक्षण के लिए समर्पित डॉक्टर लतिका नाथ ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात डॉक्टर लतिका नाथ से। लतिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी में। आपको देखकर ये कतई महसूस नहीं होता कि आप इन खतरनाक जानवरों के बीच जंगलों में जाकर समय बिताती हैं। डर नहीं लगता? डर बिल्कुल नहीं लगता, पर अच्छा है कि आपने ये पूछा, क्योंकि पूरी ज़िंदगी लोग मुझे मिलके यही सवाल करते आए हैं कि आप बिल्कुल लगते नहीं हैं कि आप वैसे काम करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि लगना कैसे चाहिए। मतलब आप इतनी डेलिकेट हैं और इतनी सौम्य लग रही हैं देखने में, जबकि ये अमूमन ये माना जाता है कि जो जंगलों में जाते हैं, जो इन जानवरों के बीच में खतरनाक हालात में काम करते हैं, तो जाहिर है बड़े रफ टफ टाइप के होते होंगे वो। एक बात बताइए कि जब आप यहाँ जाते हैं जानवरों के बीच अध्ययन करने के लिए, तो इतने खतरनाक माहौल होता है, किस किस तरह के खतरे आप महसूस करती हैं या आप फेस करती हैं जब अपने इस अध्ययन के लिए आप जंगलों में जाती हैं? शुरू में बहुत मुश्किल था। शहर से निकल के माँ बाप के घर से जंगल में जाना बहुत ही कठिन कदम था। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। एक बार जंगल में घुस गए और अगर गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई या कोई खतरा का सामना करना पड़ा, तो मदद मांगने की भी कोई तरीके नहीं थे। उस समय आप अपने आप को बचा के बाहर ला सकते थे और कोई रास्ता नहीं था। पर धीरे धीरे अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत बदल गई है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, पार्क के बीच में इधर उधर वायरलेस टावर्स बने हैं, तो कम्युनिकेशन काफ़ी सुधर गया है। पर फिर भी काफ़ी इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल अकेले होते हैं। और मेरे ख्याल सबसे कठिन चीज़ ये था कि आप अकेले हो, ज़रूर होते हैं, पर कमज़ोर नहीं। और आप अकेले इंसान ज़रूर हैं, पर अकेले नहीं, क्योंकि पूरे प्रकृति आपके साथ है उस जगह में। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, अगर आप इसको इस तरीके से समझे तो। हाँ। लेकिन आपने तो बाघों पर डॉक्टरेट की है जी,
और कब आपको लगा ये कि जिंदगी में यही आपका पैशन है, या आप जंगल और जानवरों या बाघों के बीच में ही इन्हीं के अध्ययन पे अपनी जिंदगी बिताना चाहेंगे? ये भी अलग कहानी है, क्योंकि मेरे नाना नानी कश्मीर से थे और मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं PhD दाचेगाम नेशनल पार्क के वन्य प्राणियों पे करूँगी। और मेरा मेन इंटरेस्ट था स्नो लेपर्ड्स, पर जिस साल मुझे PhD करना था उस साल टेररिज्म सबसे ज़्यादा हाइट पे था। और एक्चुअली 1991 में हमारे परिवार पे काफ़ी हमले हुए और 7 लोग जो हमारे लिए काम करते थे उनको मारा गया और हमारा घर भी इंसेंडरी बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। तो उसके बाद सबने सोचा कि ये बिल्कुल संभव ही नहीं है कि मैं वहाँ रह के कुछ भी रिसर्च कर पाऊँगी। तो मैं मिली थी HS पवार साहब से। HS पवार हमारे प्रोजेक्ट टाइगर के भी डायरेक्टर रहे हैं और फिर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना करके वहाँ के भी डायरेक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय प्राणी पर किसी ने आज तक कोई रिसर्च नहीं किया है, तो क्या तुम कर पाओगी? तुम्हारे में ये है हिम्मत कि तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करो और ये काम करो? तो मैंने कहा हाँ ज़रूर। और वैसे भी बचपन से बड़े कैट्स का शौक था और बहुत सालों से मैं पढ़ रही थी ये रिसर्च के बारे में जो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट कर रहा था नेपाल में। तो जैसे ही ये मौका मिला मैंने हाँ बोला और समय लगा परमिशंस लेने का, सब कुछ करने का, और आसान नहीं था पर किया। मगर आपने तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम किया है। ऑक्सफोर्ड से जाकर आपने डिग्री की अध्ययन किया जी। इतने सालों का अध्ययन, क्या कुछ हासिल हुआ आपको इस अध्ययन से? मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में मैं काम करती हूँ, कान्हा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, वहाँ पे मैंने करीबन 80 गांव में काम किया है। तो वो लोग अब समझते हैं कि मैं उनकी अपनी हूँ और आज जो भी कुछ काम होता है वहाँ पे वो मुझे उसमें एक भाग देते हैं और जो मैं बोलती हूँ उसका रिस्पेक्ट है, उसका वज़न है और लोग मानते हैं वो बात। अभी भी जब मैं उन एरियाज में जाती हूँ लोग दूर दूर से मिलने आते हैं और जब आप कुछ करते हो जिससे एक जानवर या एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है तो लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया। और ऐसे तो मैंने बहुत बार किया है। तो थोड़ा छोटा छोटा काम है पर जो भी करती हूँ असली काम होता है और फ़र्क पड़ता है किसी को। जी आपके जब चाहे हम फेसबुक की बात करें, ट्विटर की बात करें, या आप जो भी तस्वीरें डालती हैं जी वाकई बहुत खूबसूरत होती हैं। आप लेखिका हैं लेकिन आप फोटोग्राफर बहुत अच्छी हैं जी। जिस तरीके से आप इन बिग कैट्स जिनको हम कहते हैं, चाहे हम चीता की बात करें, बाघ की बात करें, जब आप इनका अध्ययन करने के लिए जंगल में जाने का सोचती हैं, क्योंकि हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना हमें टीवी पर देखने को मिलता है, जो कैमरे के लेंस के जरिए देखा गया होता है, उसके पीछे की कहानी क्या होती है? अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी। अभी कुछ महीनों पहले मैं साउथ अमेरिका में चिली गई थी। -10 से -20 डिग्री सेंटीग्रेड था। हम रोज़ सुबह 5:30 बजे उठते थे और निकल जाते थे प्यूमा की खोज में, क्योंकि ये एक ऐसी बड़ी बिल्ली थी जिसके बारे में मैंने बहुत पढ़ा था पर मैं कभी अपने आप मिल नहीं पाई थी, स्टडी नहीं कर पाई थी। तो वहाँ पे एक आदमी है जो 20 साल से
इन बिल्लियों को फॉलो कर रहे हैं और उनको स्टडी कर रहे हैं। क्या प्यूमा भी एक तरीके का बाघ होता है? बाघ, बड़ा बाघ ही होता, बाघ ही होता, हाँ, बड़ी बिल्लियों में से एक। अमूमन हम बिल्ली कहते हैं तो लोग किसी और तरीके से सामान्य बिल्ली की बात करते हैं, पर मैं बड़ी ग्रेट कैट्स की बात कर रही हूँ, जिसमें टाइगर, लेपर्ड, लायन, चीता, प्यूमा, जैगवार, स्नो लेपर्ड, ये सभी आते हैं, ये सब आते हैं। तो उनमें से एक प्यूमा है जो सिर्फ अमेरिकाज में पाया जाता है, और हम ये प्यूमास के पीछे 5:30 बजे सुबह से 8 बजे शाम तक पहाड़ों में घूमते थे, पहाड़ चढ़ते थे, और इस दौरान मैं 17 प्यूमास से मिली। अच्छा। एक महीने में, और सबसे नज़दीक मैं मेरे ख्याल 3 फुट की दूरी पे थी पैदल, निहत्ते, बिल्कुल ठंड, बर्फ पड़ रही है, और ये इतना करीब कि मैं जीवित हूँ क्योंकि वो चाहते थे कि मैं जीवित हूँ। लेकिन आपको डर नहीं लगता इन हालात में? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे ख्याल भीड़ में, DTC बस में, इन चीज़ों में ज़्यादा डर लगता है, वहाँ पे नहीं। क्योंकि वहाँ पे एक तो मैंने एक और कोर्स भी किया हुआ है, मैं एनिमल कम्युनिकेटर भी हूँ। अच्छा। तो थोड़े बहुत बॉडी लैंग्वेज और टेलीपैथिक कम्युनिकेशन से समझ भी आता है कि क्या है जानवर के मन में, तो हम कितना उसके पास जा सकते हैं, कितना उसे पुश कर सकते हैं, कब हम उसके पर्सनल स्पेस में एंटर कर रहे हैं जी। और वो वार्निंग दे रहा है कि और पास मत आओ, तो वो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आम आदमी सीधा उठ के बाघ के पास नहीं जा सकता, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो असंभव है। चलिए, आपके पास ऐसे बहुत से विरले अनुभव हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, आप देखते रहे तेजस्विनी। थैंक यू करोना वॉरियर्स। बेटे आप लोग जल्दी से घर जाओ। थैंक यू सर। हाँ बेटा, जाओ घर जाओ। पूरी मेडिकल कम्युनिटी खड़ी है आपके लिए ढाल बनके। हम हैं कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। मैं हूँ कोरोना वॉरियर। हम हैं कोरोना वॉरियर। थैंक यू कोरोना वॉरियर्स। थैंक यू। थैंक यू पूरिया। गुड जॉब। थैंक यू। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हम मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर लतिका नाथ से, जो देश की पहली वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। लतिका जी, हम लगातार आपसे इन जानवरों की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आपने विश्व के बड़े जंगलों में आप गई हुई हैं, कई विलुप्त प्रजातियों को आपने देखा है, ऐसे कौन कौन से खतरनाक जानवर हैं जिन पर आपने अध्ययन किया है और जो वाकई यादगार हैं? हर एक बिल्ली जिससे मैं मिली हूँ खास थे, और हर एक मुलाकात यादगार है, पर हाथी भी उतने ही यादगार हैं। रिसेंटली मैं गैलापागोस गई थी और व्हेल शार्क्स के साथ डाइविंग की थी और उनकी फिल्मिंग की थी, और जब आप 16 मीटर लंबे मच्छी से मिलते हैं समुद्र के बीच में, और आपको समझ आता है कि आप कुछ भी नहीं है उसके सामने जी। क्योंकि आप तो अपने एक टैंक हवा पे निर्भर हैं, ना आप उतना तेज स्विम कर तैर सकते हैं, ना आप उसके रास्ते से हट सकते हैं। बहुत लंबा, बहुत बड़ी। लेकिन आपने वुल्व्स भी, वुल्व्स के पीछे मैं गई हूँ, वुल्व स्टडी किए हैं, भालू स्टडी किए हैं, और सारी बड़ी बिल्लियाँ, बट ऑल्सो राइनोसरस और बहुत सारी चिड़ियाँ। तो बहुत ही अलग अलग अनुभव हैं, और कभी रेगिस्तान में, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी समुद्र के बीच में।
सो जिंदगी बिल्कुल अलग किस्म से जी है मैंने वाकई। यहाँ ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जब आप इतना वक्त इन जानवरों के साथ साथ इनके हैबिटेट्स में इनके जंगलों के बीच में बिताती हैं, जब वापस आते हैं तो मुश्किल नहीं होता? नहीं, मेरे ख्याल हर एक औरत सीख जाती है बचपन से अलग अलग रोल्स को निभाना। आप काम पे एक अलग इंसान होते हैं, घर पे एक अलग इंसान होते हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पे मैं साड़ी में बैठी हूँ, वहाँ पे मैं स्कूबा गियर पहन के समुद्र में जाती हूँ, तो जो जहाँ जैसे रहना है अपने आप को उस मोल्ड में डालना पड़ता है। कितना इस जिंदगी ने, अपने अनुभवों ने, 30 साल के वक्त ने आपको एक व्यक्ति के तौर पे कितना बदला है आपके इन अनुभवों ने? बहुत बदला है। सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है वो है पेशेंस। क्योंकि जब नेचुरल वर्ल्ड में आप जाते हो वो अपने पेस पे सब कुछ होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि किसी बाघ को कि आप जाके एक किल करो, कम एक किल शूट करने के लिए पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। एक फोटोग्राफ लेने के लिए 11 घंटे 13 घंटे बैठना पड़ता है एक ही जगह में, भूख और प्यास भुला के। तो पेशेंस बहुत बहुत ज़रूरी था अगर मैं इस काम में कुछ भी करना चाहती थी। प्रकृति में एक नियम होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हाँ, और ये कई तरह विभिन्न स्तर पर नज़र भी आता है। आप जब काम पे ऐसे जाते हैं जंगलों में, आपको तो ये बहुत बार नज़र आया होगा, बहुत करीब से आपने देखा होगा, कोई ऐसी घटनाएं साझा कर सकते हैं हमारे साथ? जानवरों से भी नहीं, इंसानों में भी यही होता है। और बहुत कठिन होता है अपने आप को एक ऑब्जर्वर की तरह रखना। मन करता है जब एक छोटे से हिरन को बाघ पकड़ने जाता है कि आप उसे बचा लो, पर वो भी सीख होती है कि आप बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। बिल्कुल। और सब कुछ इतना तेज होता है कि सोचने का टाइम नहीं होता, कुछ सेकंड का मामला होता है। समझ सकते हैं। तो आप बैठे हो और आप पिछले 3 महीने से एक हिरण के बच्चे को देख रहे हो और 5 सेकंड बाद कहानी बदल जाती है, तो आप कभी समझ भी नहीं सकते कि ये होना है। पर ये इंसानों के साथ भी होता है। पर लगता है कि बहुत आपके दिल को छुआ है ऐसी कई घटनाओं ने। काफी होता है और अभी भी दुख होता है, अभी भी रात को आके रोती हूँ पर फिर अगले दिन उठ के वापस जाती हूँ, क्योंकि वो ही प्रकृति है। वही प्रकृति है। आप लेखिका भी हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं, खासतौर पर जब आप इथोपिया गई और आपने इमो ट्राइब पर काम किया, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें खींच के लाई आप वहाँ पे। कौन कौन सी खास किताबें हैं जिन पर आप लिख रही हैं? आपने तो बच्चों के लिए भी किताब लिखी है। बच्चों के लिए भी लिखी है और आजकल मैं ग्रेट कैट्स के ऊपर एक बुक लिख रही हूँ जिसमें 8 दुनिया के सबसे बड़े बिल्लियाँ के बारे में चैप्टर्स हैं। हर एक के बारे में विवरण, फोटोग्राफ्स और राइट अप्स। तो ये मेरे लिए, मेरे ख्याल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुकाम है, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर चाहती थी कि मैं कम से कम हर एक प्रजाति की बड़ी बिल्ली से एक बार मिलूं। और वो आपने कर दिखाया। वो मैंने किया और बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, पर कर दिया। अच्छा, तो आपने हिडन इंडिया किताब भी लिखी जी है। क्या कुछ खास है इस किताब में? और जो आप इमो ट्राइब के ऊपर, क्योंकि ये वो है, वो जनजातीय समुदाय हैं जो कई 100 सालों से बिल्कुल अलग थलग रहते हैं जी, आप उनके बीच जाकर आपने उनको फोटोग्राफ किया जी, क्या था अनुभव और कैसी है ये जनजातीय समुदाय? ये एक दुनिया का ऐसा हिस्सा है जहाँ समय रुक गया था। हजारों साल से कुछ बदला नहीं है, ना इनके पास कोई आधुनिक वस्तु है, ना इनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना इन्होंने कभी अपनी छोटी जगह से बाहर दुनिया देखी है।
बिजली, हॉस्पिटल्स, मेडिसिन, स्कूल कुछ भी नहीं है। पर कुछ साल पहले इथियोपियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इस इलाके में डेवलपमेंट आना चाहिए और इस रीजन में 5 बहुत बड़े बांध बन रहे हैं जिससे इस रीजन का पूरा रूप बदल जाएगा। और अब मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन और बाहर से टूरिज्म इस एरिया में आ रहा है। आपने भारत में भी जनजातीय समुदाय या जो स्थानीय समुदाय है जंगलों के, उनके साथ बहुत काम किया है। बहुत काम किया है। ये जो मैन वर्सेस एनिमल की एक फाइट है, आदमी बनाम इंसान बनाम जानवर की जो लड़ाई है, इसको आपने कितने करीब से देखा है? बहुत करीब। कैसे देखा? इस बहुत करीब से देखा है। पर क्या हो रहा है, जानवरों की जो जगह थी वो छोटी होती जा रही है और आदमी उनकी जगह में घुस रहा है। तो जो जानवर एक एरिया में रहते थे और उनको उस इलाके से खाना और पानी और सुरक्षा मिलती थी, अब वो उनसे छीना जा रहा है। तो वो अपने सर्वाइवल के लिए जो कर रहे हैं उससे कभी कभी इंसान को हानि होती है या प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर आपने कोई नॉर्मल ग्रासलैंड को निकाल के खेत लगा दिए तो वो क्रॉप ब्रीडिंग करेंगे क्योंकि उनको तो कुछ खाना चाहिए और आपने उनके लिए कुछ अल्टरनेटिव नहीं किया है। बहुत कठिन होता है क्योंकि एक छोटा किसान साल भर में एक फसल उगाता है जहाँ पानी, बारिश का पानी होता है, उस समय वो धान उगा लेता है और 2 दिन में वो पूरा नष्ट हो जाता है क्योंकि जानवर आके वो खा जाते हैं। और उस परिवार के लिए तो बहुत कठिन सिचुएशन होती है। इस हालत में वो कभी कभी जानवरों को मारते हैं या कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम ही है। आप तो टाइगर कंजर्वेशन पर काम भी कर रही हैं जी, और हम लगातार ये भी खबरों में सुनते रहते हैं कि टाइगर्स का आंकड़ा बढ़ रहा है जी। क्या इसके पीछे भी वो तमाम कोशिशें हैं जो आपने भी की हैं, क्योंकि आपने भी कई सुझाव दिए जिनके ऊपर काम किया गया? बिल्कुल नो, ये तो मेरे ख्याल कंबाइंड एफर्ट है सबका, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट और जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं जो पार्क्स के आसपास रहते हैं। अगर तीनों सेक्टर इकट्ठे मिलके काम नहीं करते तो ये असंभव था। तो परिणाम नहीं हो सकते। लतिका, यहाँ पर आपसे मैं छोटे-छोटे सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब आपसे जानना चाहेंगे। जी। कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको डर लगता है? मुझे ऐसे कुछ चीज़ों से डर नहीं लगता, पर अगर कोई जंगल कोई कट रहा हो या आग लगी हो जंगल में और उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब डर लगता है कि क्या करें, पर वैसे कुछ नहीं। जिंदगी में एक ऐसा शख्स, कोई एक ऐसा शख्स जिसे आप आज इस मुकाम पर खड़ी हैं उस चीज़ के लिए धन्यवाद बोलना चाहेंगे? मेरे फादर, जो हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अकेलेपन का मतलब? अपने लिए टाइम। सबसे ख़तरनाक पल आज तक आपके लिए क्या रहा? मलेशिया गई थी और किडनैप हो गई एक टैक्सी में, तो ऐसे अलग अकेले गाड़ी में बंद ऐसे देश में जिसकी भाषा मैं नहीं जानती हूँ, वो पल बहुत। सबसे शानदार जानवर किसे मानते हैं? दुनिया भर के जानवर देखे हैं आपने। मुश्किल है कहना, सब जानवर शानदार होते हैं। अगर आप ये काम नहीं कर रही होती वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट का, तो क्या कर रही होती? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होती। पर मेरी ज़िंदगी का मकसद ही यही है, ये काम नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का पूरा सार है, सार है, पैशन है। हाँ। लेकिन इस पैशन में कई खतरनाक लम्हे भी आए होंगे, कई मुश्किलें आई होंगी, कभी हताशा भी हुई होगी, प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि लगातार करते रहो? जब आप प्रकृति में होते हैं और आप जानवरों के साथ रहते हैं तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ऐसी शांति और सुंदरता एक्सपीरियंस
करने को मिलती है कि उस एक पल के लिए आप फिर दोबारा प्रयत्न करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन फास्ट क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन, आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? हाँ, बचपन में मैंने एक बुक पढ़ी थी, हाइडी। ओके। एक छोटी सी लड़की के बारे में है जो स्विट्जरलैंड में रहती है। So that's your favorite book. That's my favorite book. जानवर के बारे में कोई एक भ्रांति जो आप दूर करना चाहती हैं? जानवर ज़्यादातर इंसानों के लिए हानिकारक नहीं होते। वो अपने बचाव के लिए अटैक करते हैं। तो अगर आप कभी किसी वन्य प्राणी से मिलें, आप उसे जगह दें, तो वो आपको कभी हानि नहीं पहुंचा देगा। आखिरी सवाल है ये जी, आपका सपना क्या है? मेरा सपना ये है कि हमारी सरकार हमारे इंडिया की जितनी बायोडाइवर्सिटी है और इंडिया की इन्वायरमेंट है, उसको नंबर वन प्रायोरिटी बनाए। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और डेवलपमेंट इक्वली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होने चाहिए कोई भी लॉन्ग टर्म प्लान के लिए। बिल्कुल, और शायद ऐसा कुछ संभव हो भी पा रहा है, क्योंकि हम लगातार ये भी देख रहे हैं कि आंकड़े ये बताते हैं कि हमारे यहाँ वन क्षेत्र बढ़ रहा है, ये और रफ्तार से बढ़े ये उम्मीद करते हैं। लेकिन आपका भी जो सपना है वो भी जरूर साकार हो और बहुत मजबूत आधार मिले उसे भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको लतिका जी, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर लतिका नाथ, जो बाघों के संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों के साथ साथ आदिवासी जनजातियों के लिए भी काम में लगी हुई हैं। आज की तेजस्विनी में बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार।